ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ। ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸದನ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಸದನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಲಾವಿ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದೀಯ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು। मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशेष दीर्घा में मलावी गणराज के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि मलावी गणराज की नेशनल असेंबली की अध्यक्षा महामहिम सुश्री कैथरीन गोटा निहारा और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसके अतिरिक्त आगरा की यात्रा भी करेंगे। उनका शुक्रवार दिनांक 4 अगस्त 2023 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके लेकिन उसके क्रियान्वयन करने के दायित्व। बळिक प्रश्नोत्तर कलापदल्लि शिक्षण सचिव धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार राज्यगळ शालेगळिगे अगत्य अनुदान ओदगिसुत्तिदे एंदु हेळिदरु। और आगे बढ़े पीएम फ्री स्कूल की 6207 स्कूल को पहला किस्त भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। अभी फिर मैं विनम्रता से ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಡಿಎಂಕೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು। ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು। ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ರೂಸಾಕಿ ಜೋ ನಯಾ ಸಂಸ್ಕರಣ 23-24 ಸೆ 25-26 ತಕ್ ಚಲೇಗಾ। ಇಸ್ಮೇ प्रदेशों की आकांक्षी जिले को, एस्पिरेशनल जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।